जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि अगर आप भी IRB इंडियन रिजर्व बटालियन की भर्ती का इंतजार कर रहे हो तो यह वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जो बताने वाले हैं शायद ही आपको कोई यूट्यूब पर बताया होगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग बात करें तो 70% बच्चे यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि IRB की नई भर्ती आ जाए और हम उसमें फॉर्म को अप्लाई कर दें। ये आपके अंदर कहीं ना कहीं सवाल चल ही रहा होगा, लेकिन बहुत सारे भाई अभी से भी वाकिफ नहीं है कि आखिर IRB में वर्दी कैसे मिलती है, IRB का चयन कैसे होता है, IRB की भर्ती कब आएगी, ये जानकारी आपके पास नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आप सभी को ये जानकारी देने वाले हैं। यहां पर आप सबके स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये है IRB की वर्दी, देख सकते हैं या जो दिख रहा है ये है IRB की वर्दी, ठीक है, बिल्कुल इंडियन आर्मी के तरीके इसकी वर्दी होती है। और साथ ही बात करें जहां इंडियन आर्मी लिखा होता है वहां पे इसका केवल IRB लिखा है, लेकिन अगर वर्दी की बात करें तो पूरा एकदम इंडियन आर्मी के तरीके इसकी वर्दी रहती है। आप सभी इसी के चलते ये भी जान लीजिए कि IRB का मेन वर्ग क्या होता है, IRB कहाँ पर लगाई जाती है। तो आपको बता दें कि जो भी नक्सल एरिया है वहां पर IRB लगाई जाती है, और खास करके नक्सलों के लिए जो नक्सल एरिया है जहाँ भ्रष्टाचार होता है, मतलब इसी को चलते जहाँ दंगा फसाद ज्यादा होता है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद साथ ही बात करें झारखंड हो गया, इसी तरीके यहाँ पे काफी सारे स्टेट ऐसे है जहाँ की नक्सल एरिया जहाँ रहते हैं वहां पे IRB की भर्ती की जाती है। बात करें जिस प्रकार से पुलिस वर्क करती है उसी हिसाब से यहाँ पे IRB भी अपना काम करता है, लेकिन IRB का मेन काम होता है यहाँ पर कि जब दंगा फसाद होता है, जब कहीं भ्रष्टाचार होता है या फिर नक्सलवाद से निपटना, ये सारा काम यहाँ पे IRB के द्वारा ही किया जाता है। अगर हम बात करें IRB का गठन क्यों किया गया, तो IRB का गठन इसलिए किया गया है कि जैसे भी मान लो थोड़ा सा भी दंगा ज्यादा होता है तो वहां पर केंद्र से मदद ना ली जाए, मतलब केंद्र से CRPF हो गया, BSF हो गया, इन सबसे मदद ना लिया जाए, हम अपने खुद से यहाँ पे फोर्स खड़ी करें, ये स्टेट सरकार चाहती थी। इसीलिए स्टेट ने यहाँ पे IRB का गठन किया कि हम यहाँ पे आपातकालीन में IRB की मदद लेकर हम स्टेट की सुरक्षा कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे IRB को बनाया गया है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में IRB हर एक स्टेट में नहीं है, कुछ स्टेटों में IRB है, झारखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इसी प्रकार से काफी सारे ऐसे स्टेट हैं जिसमें नक्सल एरिया जहां खतरा ज्यादा रहता है वहां पर IRB का गठन किया गया है, और इसकी भर्ती जो होती है बिल्कुल पुलिस के जैसी ही होती है। जैसे मान लेते हैं झारखंड में पुलिस की भर्ती जैसे भी होती होगी, जैसे भी उसका फिजिकल होता होगा, जैसे उसका एग्जाम होता होगा, सेम उसी तरीके से IRB का भी झारखंड में भर्ती वैसे ही होगी जैसे पुलिस की होती है। मतलब जिस प्रकार से आप सभी समझ सकते हैं कि यूपी में यूपी पुलिस सिविल की भर्ती होती है, एक होती है PSC की, तो PSC जो होती है वो बटालियन में रहती है, मतलब कि जब कहाँ दंगा फसाद होता है वहाँ PSC को बुलाया जाता है, तो उसी प्रकार से IRB है कि यहाँ पर जहाँ दंगा फसाद होता है वैसे लिए वहाँ बुलाया जाता है। लेकिन IRB का एक बात है यहाँ पे कि अगर सरकार को IRB की भर्ती जब निकालनी होती है तो वो करती क्या है कि केंद्र सरकार से इजाजत लेती है, परमिशन लेती है, तब ये स्टेट में अपने IRB की भर्ती निकालती है। जम्मू कश्मीर में करीब यहाँ पे बात करें तो 3000 पोस्ट खाली है IRB की, ठीक है, कितनी 3000 पोस्ट खाली है। उसके बाद झारखंड की बात करें तो यहाँ पर करीब 2000 पोस्ट खाली है IRB की। तो लेकिन अगर बहुत सारे भाई ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर 17000 पोस्ट आसपास खाली है, तो उसका 17000 पोस्टों की वैकेंसी एक साथ आएगी, अगर ये वैकेंसी एक साथ आनी होती तो यहाँ पर अगर बात करें तो SSC GD के थ्रू भी IRB की भर्ती निकाली जाती, लेकिन ये केंद्र की नहीं है, ये स्टेट वाइज भर्ती आती है और हर स्टेट का अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। बात करें यहाँ पे जैसे मान लेते हैं IRB, ठीक है, तो IRB क्या है कि ये जैसे झारखंड में IRB की भर्ती आने वाली है, तो झारखंड में 2000 पोस्ट खाली आप सभी जानते हैं, लेकिन IRB की जो भर्ती आती है पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं IRB में, ठीक है। लेकिन वहीं अगर पुलिस की आ जाए तो पुलिस में केवल झारखंड के ही बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, ये यहाँ पे बात आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है अदर स्टेट से। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर आप सभी IRB की तैयारी कर रहे हैं तैयारी करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप सभी IRB को टारगेट मत करिए कि मैं IRB में ही जाऊंगा, मैं IRB की ही तैयारी करूंगा, ये आप टारगेट मत करिए। आप टारगेट करिए मैं डिफेंस फोर्सेस में जाऊंगा, ठीक है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस में जाऊंगा, ये आप सभी टारगेट करिए, लेकिन आप IRB बिल्कुल टारगेट मत करिए, क्योंकि IRB की भर्ती आपके सामने अभी कभी भी दिखाई नहीं पड़ी होगी, ठीक है। लेकिन COVID-19 के बाद यहाँ पे IRB के जवानों की कमी हुई है मैं मानता हूँ, और इसकी भर्ती जो है वो स्टेट सरकार निकालेगी, केंद्र ही निकालेगी। अगर केंद्र को निकालना होता तो SSC GD के साथ में इसकी भर्ती आती, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, तो इसलिए इसकी भर्ती जो है वो केंद्र सरकार ही निकालती है, और हर सरकार अलग अलग टाइप से अपनी भर्ती निकालती है, अलग अलग सेलेक्शन प्रोसेस रखती है, किसी में पहले एग्जाम होगा, किसी में पहले फिजिकल होगा, तो इस प्रकार से होता है। लेकिन आप सब भी इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं, और भर्ती देखने आप सभी को जरूर जाना है, उसी स्टेट में भर्ती होगी जिस वही आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला, उसी स्टेट में जिस स्टेट में इसकी भर्ती आएगी।
ये सारी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला जो कि मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो आप एक चीज यहाँ पे याद कर लेना, नोट कर लेना अपने दिमाग में कि आईआरबी का आप टारगेट मत करिए। आप जिस भी वैकेंसी का अभी तक टारगेट किए थे, जिस भी वैकेंसी का आपने गोल बनाया था कि हम इसमें सेलेक्ट होंगे, आप उसी को लेकर चलिए। लेकिन अगर आईआरबी की भर्ती बीच में आ जाती है तो आप सभी इसको भी देख लीजिएगा। इसमें भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं होता तो आप सभी जिसको भी टारगेट बनाए हैं उसी को लेकर आप सभी चलिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं जब तक सुन ले कि आईआरबी की भर्ती आ रही है, आईआरबी की वर्दी बिल्कुल आर्मी तरीके लग रही है, तो मैं भाई आईआरबी में ही जाऊंगा, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है पहली बार, ठीक है। क्योंकि यहां पे आपको बिल्कुल सावधान हो जाना है कि आईआरबी की भर्ती का कुछ नहीं पता कब तक आएगा। लेकिन हां, इतना कह सकते हैं इस साल के लास्ट तक कोई ना कोई स्टेट ऐसा होगा जो कि इसकी भर्ती निकाली देगी, क्योंकि कोविड-19 में काफी ज्यादा जवानों की कमी हो चुकी है आईआरबी में। तो इसके चलते यहां पे आईआरबी की जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल सकती है। आईआरबी का चयन प्रक्रिया मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो मैं कैसे आपको यहां पर समझा दूं, ठीक है। इस सारी चीजें यहां पे देखने को मिलने वाला है। बात करें झारखंड में यहां पे पुलिस में 10 किलोमीटर रेस होती है, तो यहां पे आईआरबी में भी 10 किलोमीटर रेस होगी। जम्मू कश्मीर में अगर 1600 मीटर होता होगा तो यहां पे 1600 मीटर होगा। इस प्रकार से यहां पे आईआरबी की भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी। बात रही ऑनलाइन अप्लाई की, तो आपको यहां पे दिसंबर तक का वेट करना पड़ सकता है। दिसंबर से पहले आपकी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, और पूरा मिलाकर यहां पे 17,000 प्लस वैकेंसी नहीं आ रही है। टोटल 17,000 खाली मैं मानता हूं, लेकिन ये कुल एक साथ नहीं आएगी, अलग अलग स्टेट की अलग अलग सरकार निकालेगी अपना, ठीक है। मतलब स्टेट वाइज इसकी भर्ती आती है। और अब बात करें ये वैकेंसी जो है, जैसे झारखंड में 2000 आई हुई, झारखंड के लिए ही है। मैं पूरे बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब पूरे ऑल इंडिया से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन झारखंड में ही जाकर उनको भर्ती देखनी पड़ेगी। ये सारी चीजें जो कि मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आईआरबी को लेकर कि आप बता रहे थे भर्ती आएगी भर्ती नहीं आ रही है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, इसके बैच भी चलने शुरू हो गए, इसके बुक भी बन चुके हैं, लेकिन भर्ती नहीं आ रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त कि आप सभी इसके चक्कर बिल्कुल मत पड़िए, जब इसकी भर्ती आएगी तो आपको जानकारी दी जाएगी इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप सबके लिए यहाँ पे इस तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।